वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं मिनीषा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं कोई मोई न्यूज राउंडअप। किसी का भाई किसी की जान के फ्लॉप होने के बाद सलमान खान अब पुराने यार करण जौहर के साथ फिल्म को लेकर आ रहे हैं। एक वक्त था जब भाईजान हिट पे हिट फिल्में दे रहे थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऐसा नहीं हो रहा था। अब 25 साल के बाद सलमान करण जौहर के साथ लेकर आ रहे हैं कि नई एक्शन ड्रामा फिल्म। ऑब्वियसली फिल्म को प्रोड्यूस करण जौहर करेंगे, जिसे विष्णुवर्धन डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने शेरशाह जैसी सक्सेसफुल फिल्म को डायरेक्ट किया था। अब टाइगर 3, किक 2, वांटेड 2 के साथ ये भी फिल्म सलमान खान की पाइपलाइन में जुड़ चुकी है। क्या आप एक्साइटेड हैं? नो शाहरुख खान नो डॉन हैशटैग बॉयकॉट। फरहान अख्तर ने डॉन 3 की अनाउंसमेंट क्या कर दी है कि सोशल मीडिया पर SRK के फैन भड़क गए हैं। रिपोर्टेडली इस फिल्म में रणवीर सिंह ने शाहरुख खान को रिप्लेस कर दिया है, जिसके बाद इंटरनेट पर आ चुकी है मीम्स की बाढ़। जी हाँ, लोगों को ये रास ही नहीं आ रहा है कि डॉन की फ्रेंचाइजी में शाहरुख खान नहीं है। ऐसे में फरहान अख्तर की पोस्ट पर मानो SRK के फैंस ने मोर्चा ही निकाला हो। अब इस पर शाहरुख और रणवीर क्या रिएक्शन देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डॉन 3 का टीजर देखना है तो थिएटर जाओ, मजाक नहीं। लेकिन खबरें तो यही है कि सनी देओल की गदर 2 के साथ डॉन 3 का टीजर दिखाया जाएगा। डॉन 3 की अनाउंसमेंट के बाद अब फैंस को बेकरारी है कि फिल्म की एक झलक दिखे। गदर 2 की एडवांस बुकिंग को देखकर मेकर्स ने गदर 3 पर भी काम शुरू किया है। ये एक्सक्लूसिव खबर हम बस आपके लिए लेकर आए हैं। पहले तो रिलीज के लिए सिर्फ 2500 स्क्रीन्स थी, अब ये बढ़कर 3500 हो गई हैं, जो माय गॉड 2 के स्क्रीन नंबर से कुछ ज्यादा ही है। बस यही नहीं, इतनी पॉपुलैरिटी को देखकर सनी देओल, डायरेक्टर अनिल शर्मा और जी स्टूडियो जो प्रोड्यूसर्स भी हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो जल्द ही गदर 3 को भी लेकर आएंगे।